हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम एट पी एम बाय आकर्षक अकेडमी। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 31 में हैं और आपका नया यूनिट यूनिट 4 जो कि आखिरी यूनिट है आपके सिलेबस का, जिसका नाम है वेक्टर, आज हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर होगा। इसमें हम लोग कुछ नए चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ नए क्वान्टिटी के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें मैग्नीट्यूड ज़्यादा पढ़ा था हमने, जैसे डिस्टेंस है 5 किलोमीटर या आपका वेट है 34-35 kg, इस तरह से हम लोग सिर्फ स्केलर क्वांटिटी पढ़े थे जिसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते थे। लेकिन अब हम जो क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पर बोलते हैं। ये फिजिक्स में शायद आप लोगों ने मे बी थोड़ा इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा और मैथमेटिक्स का ये पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका आगे काफ़ी यूज है मैथ्स में, फिजिक्स में। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर के डेफिनेशंस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के वेक्टर्स, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि दो तरह के होते हैं, एक कैसे जिसमें सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड बताते हैं, इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल जिसका अभी हम कर रहे थे, हाइट, वेट और लेंथ, इस तरह की जो भी क्वांटिटी होगी या वॉल्यूम, ठीक है, इन सब क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन हम लोग नहीं बोलते। लेकिन एक दूसरी तरह का क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल है हमारा फोर्स, तो फोर्स हम लोग जब भी बोलते हैं टेन कुछ हम लोग डायरेक्शन इसका बताते हैं। मान लीजिए फोर्स हम लोग लगा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो 10 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। या फिर डिस्प्लेसमेंट की बॉडी को धक्का मारा तो किधर गया, तो 15 मीटर मान लीजिए वेस्ट की तरफ गया, तो हम लोग वेस्ट लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़ में हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, मान लीजिए 50 kg वेट लिखते हैं, हाइट मान लीजिए 160 सेंटीमीटर, इस तरह की क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्केलर वैल्यू है, सिर्फ वैल्यूज़ है। लेकिन इस वाले में क्या है, डायरेक्शन भी है, मतलब फोर्स अगर लग रहा है तो ईस्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेस्ट की तरफ, तो हम लोग डायरेक्शन भी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। हम लोग नोटेशन इसके लिए क्या यूज करते हैं, सिंपल नोटेशन वेक्टर के लिए होता है कि मान लीजिए ए बी कोई वेक्टर है तो हम लोग इसे डार्क लेटर से डिनोट करते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि डार्क लेटर लिखने में हमें दिक्कत होगा, तो इसलिए दूसरा जो हमारा तरीका होता है सिंपली ए बी के ऊपर एक एरो लगा देना होता है, या तो हम लोग बोल्ड करके लिखते हैं या फिर एरो यूज करते हैं। नॉर्मल ए बी पे एरो यूज करते हैं तो इसे हम लोग वेक्टर यूज करते हैं, वेक्टर बोलते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर को ए स्मॉल वेक्टर हम लोग डिनोट करते हैं ए की पावर ए के ऊपर पे एरो डाल के। अगर मान लीजिए स्केलर लिखना होता तो हम लोग सिंपली ए बी और सिंपली ए लिखते, ये हमारा क्या होता, स्केलर होता, ये हमारा क्या है, वेक्टर का नोटेशन। और जब वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें एक फिक्स डायरेक्शन का, मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइन है L1 L2, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए लाइन विथ
द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन. डायरेक्टेड लाइन इस लाइन की डायरेक्शन आप वर्ड की तरफ है, तो मतलब ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और इसके नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्टेड, ये अपवर्ड डायरेक्टेड. ठीक है, और जैसे कल हमने लाइन और लाइन सेगमेंट पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग इसमें डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का अगर एक पार्ट ले लें, मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, इसका हम लोग एक पार्ट ले लिए पी क्यू, तो हमारा पी क्यू या फिर क्यू पी जो हुआ हमारा, ये हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा. ठीक है, इसी में कुछ और चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक ये वेक्टर है ए बी, तो हम लोग ए को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और बी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट. ठीक है, और इस तरह के वेक्टर को हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, जो स्टार्ट पॉइंट होता है वहाँ से हम लोग पहला लेटर लिखते हैं, और जहाँ एंड होता है उसे हम लोग बाद में लिखते हैं और ऊपर एक एरो बनाते हैं. तो ए बी वेक्टर हम लोग डिनोट करेंगे, अगर इसे एरो नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे या सिंबल के फॉर्म में, तो ए से स्टार्ट करके बी तक जाना है, और एरो का डायरेक्शन जिधर है उस तरफ हमें एरो डालना है. तो ए बी वेक्टर का मतलब हुआ कि ए बी लाइन सेगमेंट बनाना है, और ए से स्टार्ट करके बी की तरफ एरो डिनोट करना. आप चाहे तो बीच में भी लगा सकते थे एरो, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए आप यूज़ करना है एरो का. तो इस तरह से हम लोग इसको वेक्टर को नोटेशन के फॉर्म में एज वेल एज ग्राफिकली दिखा सकते हैं. और ये डायरेक्शन हमारा इस तरह से जिस तरफ जाता है उसी तरफ का नाम इस तरह से लिखते हैं. क्योंकि काफ़ी न्यू चैप्टर है आपके लिए, तो एक एक चीज़ें छोटी छोटी बातें आपको जाननी पड़ेगी इसके लिए. नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें हम देखेंगे कई तरह के छोटे छोटे वेक्टर्स के टाइप्स होंगे, जिसका हमें सिर्फ एक बार नाम जानने पे पता चल जाएगा, पहचानने में मदद मिलेगी. सबसे पहला हमारा पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई एक्सिस में एक कोई पॉइंट पी गिवन है. ठीक है, तो हमें पता है कि एक्स वाई एक्सिस पे इसे हम लोग कुछ ए कोमा बी कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं, और ये हमारा ओरिजिन होता है, इसका भी कोऑर्डिनेट हमें पता है 0, 0. तो हम लोग पी को अगर उसे मिला दें, तो पी क्या है, पी हमें पता था पी एक पोजीशन पॉइंट का पी का था, लेकिन हम लोग ओ से पी को अगर ज्वाइन कर दें तो ओ पी क्या बन जाएगा, ओ पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. जनरली पोजिशन वेक्टर जो हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं, पी एक पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट ए बी था, तो इसे हम लोग पोजिशन वेक्टर के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे कि हमारा पोजिशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है ओ से पी की तरफ लाइन बना के. दूसरा हमारा सिंपल सा है जीरो या नल वेक्टर. जीरो या नल वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि ये जो पी पॉइंट यहाँ है ये ओरिजिन पे ही अगर लाई करता है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट जो होता, इनिशियल पॉइंट वो टर्मिनल पॉइंट के बराबर ही हो जाता, तो मतलब क्या होता उसका ये जो लेंथ होता है वो जीरो हो जाता,
उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर हमें मिल गया। उसे डिनोट करने के लिए जीरो के ऊपर एक एरो को मार्क करते हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर का नाम से क्लियर है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मॉडुलस से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ बहुत सारी चीज़ों का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से जीरो वेक्टर का हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा, क्योंकि लेंथ जो होता है वही मैग्नीट्यूड होता है। इसे हम लोग और भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जीरो वेक्टर हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा लाइक एंड डिसलाइक या अनलाइक वेक्टर होगा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। सिंपल होता है कि लाइक वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन हो, मान लीजिए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेम डायरेक्शन हो तो ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। सी का जस्ट उल्टा क्या होगा, मान लीजिए ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, अब वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर, ठीक है। पी एन क्यू मतलब पी एन क्यू जो है वो अनलाइक वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन से डिपेंड करता है कि वो लाइक वेक्टर या अनलाइक वेक्टर है। अच्छा, सिंपल सा एक और टर्म होता है को इनिशियल वेक्टर, नाम से भी क्लियर है, को मतलब एक साथ, इनिशियल मतलब जिसका जो इनिशियल पॉइंट हो सेम हो, उसे हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या है, आर को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। सिंपल सा टर्म है, सिंपल डेफिनेशन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, को इनिशियल वेक्टर इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे, जो उसे भी हम लोग देख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसके कई नाम हैं। मॉडुलस को हम लोग और क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसके और भी नाम हैं, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, या फिर एक और नाम है इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। इन तीनों चारों में से कोई सा भी नाम दे तो उसका मीनिंग सेम ही होता है। वो क्या होता है, जैसे वहाँ हम क्या बता रहे थे, ओपी वेक्टर है, इसका हम लोग नॉर्म इस तरह से दिखाते हैं या मैग्नीट्यूड इस तरह से दिखाते हैं, मॉडुलस दो मॉडुलस लिख के, इसका मतलब होता है कि ओपी का जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसे हम लोग नॉर्म बोलते हैं, उसे हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इस तरह से डिफाइन होता है, इसको हम लोग लेंथ ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ वेक्टर, सिंपली लेंथ ऑफ वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर या नॉर्म ऑफ द वेक्टर, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें पहले हमें जाननी होगी, तभी हम लोग डीप में जा सकते हैं वेक्टर के। जब भी मैं ब्लैक बोर्ड से साइड हो जाऊं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। हर कंसेप्ट के बाद में साइड हो जाता हूं, ताकि आप लोग नोट डाउन कर सके वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हमारा है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, और वेक्टर का मतलब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो मतलब क्या होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका नोटेशन कैसे होता है,
नोटेशन इसका जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ए के ऊपर कैप दे देते हैं हम लोग, कैप से हम लोग, ये भी एक क्या है वेक्टर का ही नोटेशन है, वेक्टर नोटेशन है, लेकिन जब भी कैप होगा तो क्या कहलाएगा, ये कैप होगा तो मतलब यूनिट वेक्टर होगा, वो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। तो कोई वेक्टर हमें ए अगर गिवन है, मान लीजिए ए वेक्टर हमें गिवन है, तो इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहेंगे ए कैप, तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल सा होता है कि ए का हम लोग, ए को हम लोग इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाता है, यूनिट वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन एंड डायरेक्शन इज सेम एज ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये हमारा वेक्टर था, हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्शन तो इसका भी ए का जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो ए का क्या हो गया डायरेक्शन, जो एक एक कैप का डायरेक्शन क्या हो गया, जो ए का डायरेक्शन है, मतलब यूनिट वेक्टर ए का जो होगा उसका डायरेक्शन, ए का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। या फिर यहाँ हम लोग एक्स लिखते हैं, यहाँ वाई और यहाँ जेड लिखते हैं, तो इसे हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप से भी डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का और एग्जांपल हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई जेड एक्सिस को हम लोग यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप से, ठीक है। इन सारे आई कैप जे कैप के कैप के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, वन होंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है आई कैप जे कैप और के कैप, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का हम लोग वेक्टर देखेंगे, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि दो वेक्टर ए एंड बी को हम लोग तभी इक्वल बोलते हैं इफ पहला मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो, और दूसरा सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम, तभी हम लोग किसी दो वेक्टर को इक्वल बोलेंगे, जब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तभी दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट टाइप आएगा हमारा निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का, क्या मतलब है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है, तो अगर हम एक नया वेक्टर बनाएं बी इक्वल्स टू माइनस ए, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और डायरेक्शन जो होगा, पहला तो ये होगा मीनिंग, दूसरा होगा डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए, ये हमारा निगेटिव वेक्टर का मीनिंग हो गया। निगेटिव वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करने में यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से कोलिनियर वेक्टर होता है, फिर से हमें देखिए कोलिनियर पढ़ना है, कोलिनियर वेक्टर, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं और पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब होता है कि जो दो वेक्टर अगर
सेम डायरेक्शन में हो। अगर मान लीजिए ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी वेक्टर क्या है, पैरेलल टू ए वेक्टर है, ठीक है, या फिर कोलिनियर है, क्योंकि क्या है ये ओ ए को ही एक्सटेंड करके हम लोग क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, तो इसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। और इसी में जो है सेकेंड टाइप है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये भी लिख लिया होगा। तो कोलिनियर वेक्टर क्या हो रहा है कि ये अगर हम लोग ओ ए से इस तरफ कोई वेक्टर सी बना रहे हैं तो भी ये हमें कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ओ ए के डायरेक्शन या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या कहलाएगा, सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, या फिर सेम क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और सेम टर्मिनल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये कॉलिनियर है। और कंडीशन क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, दे शुड बी पैरेलल, वन वन लिखते हैं पैरेलल के लिए। तो अगर दो वेक्टर कॉलिनियर है, पैरेलल वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर अगर जैसे यहाँ ओ ए और ओ सी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में हम लोग क्या जानते हैं सेम लाइन है, अगर उसको भी हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन फिक्स होता है तो उसे पैरेलल बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जीरो है दो लाइन के बीच में, हमेशा जीरो ही है, चाहे ओ ए लीजिए चाहे ओ सी लीजिए, तो पैरेलल वेक्टर हो गया ये। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दोनों का सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जहाँ एंड हो रहा था वहाँ से ये क्या हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था बी वेक्टर, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट जो है एक का क्या है, वंस टर्मिनल पॉइंट इक्वल्स टू अदर्स स्टार्टिंग पॉइंट, तब हम लोग बोलते हैं कि ये कोलिनियर वेक्टर है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इन सब का डिटेल हमें आएगा। नेक्स्ट हमारा कोप्लानर वेक्टर, तो इसमें सिंपली क्या होता है, वेक्टर्स पैरेलल टू एक गिवन प्लेन और कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। जैसे बोर्ड क्या है, एक हमारा प्लेन है, इसमें हम लोग मान लीजिए ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, सारे वेक्टर क्या है एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसे इसका नाम हमें पता होना चाहिए कि एक ही प्लेन में अगर कोई लाई करेगा तो उसे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। तो अब हमारा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हम लोगों ने इसके बेसिक्स को जाने, जैसे हम लोग पहले ए बी सी डी सीखते तभी हम लोग ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, या फिर हम लोग 1 2 3 काउंटिंग टेबल सीखने के बाद भी बाद ही हम लोग एडिशन सबट्रैक्शन सीखते हैं। तो एक तरह से हम लोग अभी काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं उसका नाम है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा का मीनिंग आपको पता है कि हम लोग एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो इस एडिशन ऑफ वेक्टर का एक स्पेशल नेम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
इसी को पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा होता है, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसमें मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारे पास गिवन है बी, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें गिवन है ए एंड बी वेक्टर्स हमें निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी देखिए कैसे निकाला जाता है, ए के जो स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब जो फर्स्ट वेक्टर है उसके स्टार्टिंग पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो सेकेंड वेक्टर है वो जहाँ ख़त्म हो रहा है मतलब फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और सेकेंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, उन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो हमें जो वेक्टर मिलता है उसे हम लोग ए प्लस बी वेक्टर का नाम देते हैं। तो ये हमारा क्या बनना है, एक ट्रायंगल की तरह बनना है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी, अगर डायग्राम हमारे डायग्राम से लिखना होगा तो क्या बनेगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, हमने नाम लिखना वेक्टर का सीखा है, जिधर एरो होता है वो बाद में आता है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है तो स्टार्टिंग पॉइंट, फिर टर्मिनल पॉइंट ए है तो टर्मिनल पॉइंट, ऊपर पे एरो, सिमिलरली यहाँ भी लिखेंगे ए बी, ए स्टार्टिंग पॉइंट है तो ए से एरो स्टार्ट करके बी पे एंड करेंगे, इस तरह से हम लोग ओ ए बी बराबर ओ ए प्लस ए बी, इसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, जो ऐड करके हमें मिला उसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ओ बी हमारा वेक्टर क्या था, ओ बी वेक्टर ए प्लस बी था, और ओ ए वेक्टर तो हमारा सिंपली क्या है, ए वेक्टर है, और ए बी वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है, डायग्राम से क्लियर था। हमने इस पर इस तरह से वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, इसे हम लोग चाहे तो दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, नेट डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, मान लीजिए ओ पे कोई पार्टिकल था, इसे हमने पुश करके ए पे ले आया, फिर हम इसे टिल्ट करके बी पे ले गए, तो क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट ओ से ए पे आया था और ए से बी, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो क्या है हमारा, ओ से बी है मात्र। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में शायद आपको अंतर पता होगा, डिस्टेंस अगर पूछता था हमें ये लेंथ और ये लेंथ को ऐड करना पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी, पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा वो तो डायरेक्ट मिलाने पे आएगा, इस तरह से जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस हमेशा, ठीक है, उसे हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं या वेक्टर एडिशन बोल सकते हैं। इसे हम चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर था, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, तो अगर हम इसके पैरेलल एक यहाँ वेक्टर बना दें और इसके पैरेलल यहाँ मैच करा दें तो हमारा ओ ए बी सी जो बनता है, मतलब ओ ए बी सी जो हमारा ये ट्रैक ये क्लोज फिगर बना, इसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने इसके पैरेलल इसको बनाया, मतलब कि ओ ए क्या है, पैरेलल टू सी बी है, और ओ सी जो है वो पैरेलल टू ए बी है। पैरेललोग्राम का हमने लास्ट क्लास में देखा था डेफिनेशन की, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और हमें डेफिनेशन ओरिजिनल भी पता है कि जो अपोजिट साइड पेयर के पैरेलल होते हैं उसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में हमें लेंथ की ज़रूरत थी इसलिए हमने लेंथ से डिफाइन किया था, यहाँ पे हम लोग सिंपली बोलेंगे अगर अपोजिट पेयर जो है पैरेलल है तो उसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो हमने जो ट्रायंगल बनाया था उसके इस साइड के पैरेलल यहाँ बनाया, इस साइड के पैरेलल यहाँ बनाया, तो हमें एक तरह से क्या मिल गया, पैरेललोग्राम। और ए बी जो हमारा वेक्टर है ओ और बी, ये जो ओ और बी वेक्टर है ए प्लस बी, वो क्या बन गया है इस पैरेललोग्राम का, डायगोनल।
ए प्लस बी वेक्टर क्या बन गया, डायगोनल। इसीलिए इसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हैं, या पैरेललोग्राम लॉ भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा इसमें एक चीज और देखते हैं, ट्रायंगल में एक ट्रायंगल अगर हमारे पास गिवन है, मान लीजिए वेक्टर ए और ये वेक्टर हमारा ओ है, बी वेक्टर है और ये बन रहा है ए के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग और बी के एंडिंग पे ख़त्म करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ये बी वेक्टर ए के स्टार्टिंग से कर रहे हैं स्टार्ट और बी के एंडिंग ख़त्म कर दिए, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या मिल रहा है, ओ इसका नाम ए है, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, ओ बी। ठीक है, निगेटिव वेक्टर का मीनिंग भी हमने देखा था, निगेटिव वेक्टर का क्या मीनिंग था कि जो वेक्टर गिवन है उसके जस्ट अपोजिट माइनस साइन लगाने पे हमें मिल जा रहा था। ठीक है, तो अगर हम इसे ओ ए और ए बी, ओ बी को हम लोग एक नया वेक्टर का नाम दे दे सी, सी वेक्टर, तो ओ बी अगर हमारा सी वेक्टर है तो बी ओ वेक्टर क्या होगा, माइनस सी वेक्टर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बी ओ का मतलब क्या, सिंपली इस साइड से मतलब बी से ओ पे जाएगा, अभी ओरिजिनली क्या था, ओ से बी पे था, तो ओ से बी का नाम हम लोग क्या दे रहे थे, ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो बी ओ वेक्टर क्या होगा, माइनस सी वेक्टर, अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ओ बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, या फिर हम चाहें तो इसका नाम लिखें ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर को हम लोग बी ओ वेक्टर बोल सकते हैं, तो ये इक्वल्स टू जीरो बन गया। ठीक है, तो अगर हम माइनस सी के बदले कोई नया वेक्टर डी लिखेंगे तो ट्राइंगल में हमें क्या मिलेगा, डी बराबर एक वेक्टर हमने लिया माइनस सी, तो कहने का मतलब है हमारा डायग्राम कैसे बना, ओ ए बी, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर ऐसे था, तो माइनस सी वेक्टर ऐसे होगा, हम लोग ले रहे हैं डी इक्वल्स टू माइनस सी, तो यहाँ से हमारा क्या बनना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर कोई भी एक क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर हम वेक्टर से मिला के एक ट्रायंगल बनाएंगे तो तीनों का साइड का सम, वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, एक ट्रायंगल के साइड को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लिखेंगे तो तीनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो एडिशन का इस तरह से हमने प्रॉपर्टी देखा, एडिशन देखा, तो अब हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी है अभी, जिसे हम लोगों ने बाकी सब में भी देखा था, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब चीज़ें आप लोग शायद याद होगा, रियल नंबर में भी देखते हैं, बाकी और भी चैप्टर में हमने देखा है पहले भी, कभी कॉम्प्लेक्स वगैरह में भी पहले भी आप लोग पढ़े होंगे दूसरे कोर्सेस में, तो इसे हम लोग बोलेंगे लॉज ऑफ एडिशन या प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ एडिशन वेक्टर में, या फिर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला लॉ इसमें होता है कम्यूटेटिव लॉ, तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्या कहने का मतलब कि ए प्लस बी वेक्टर हो तो वो बी प्लस ए वेक्टर के बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए प्लस बी वेक्टर को ऐड किया,
इसमें सी वेक्टर को ऐड किया, या फिर पहले बी प्लस सी को ऐड किया फिर उसमें ए को ऐड किया तो भी सेम वैल्यू मिलेगा। इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ करते हैं और वेक्टर एडिशन इसको फॉलो करता है। फिर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे अगर आते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, मान लीजिए ए माइनस बी वेक्टर हम लिख रहे हैं, तो इसे हम लोग ए प्लस माइनस ऑफ बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। माइनस बी का मतलब हमने क्या देखा था, वेक्टर अगर बी गिवन है इस तरह से तो माइनस बी का मतलब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कि सब्ट्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन विथ निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट भी नहीं होगा। माइनस बी मतलब क्या था, बी का उल्टा वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ए का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये वेक्टर क्या होगा, काफ़ी डिफरेंट बन जाएगा। क्योंकि ये जो वेक्टर है, ये मान लीजिए ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था, तो माइनस बी वेक्टर मतलब इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है जो हमने पढ़ा था निगेटिव वेक्टर का। और इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसका मीनिंग सेम डायग्राम से अगर हम समझाएंगे तो इसका मीनिंग है कि बी वेक्टर तो अभी हमारा यही है, लेकिन ए वेक्टर हमारा क्या हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट आएगा। मतलब ये हमारा ए वेक्टर बन गया, यहाँ पे बी वेक्टर। तो अगर हम देखेंगे ए माइनस बी तो क्या बन रहा है, ए इधर है और बी माइनस, यानी रिजल्टेंट क्या होगा, या हम लोग ट्राइंगल लॉ से देखेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा ए माइनस बी का, तो एक की स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे के एंडिंग पॉइंट पे, इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बी माइनस ए देखेंगे तो क्या होगा, बी से स्टार्ट होकर ए पे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बी माइनस ए और ए माइनस बी का क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू होगा। ठीक है, इसे हम लोग स्ट्रेट अगर बनाएंगे तो कहीं और जाएगा। उसी तरह से ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को भी नहीं फॉलो करता है। मतलब ए माइनस बी माइनस सी जो होगा वो ए माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं होगा। मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह के होते हैं, तो हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर पढ़ रहे हैं। वेक्टर टू वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके लिए एक स्पेशल रूल होता है जिससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर पढ़ रहे हैं। सिर्फ स्केलर मतलब क्या होता है, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास लेट ए बी ए वेक्टर, ठीक है, और हमारे पास गिवन है कि एम इज ए स्केलर। तो एक नया वेक्टर या फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, एम टाइम्स ए वेक्टर। तो इसमें क्या मतलब हो गया, पहला मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो होगा वो एम टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, और दूसरा होगा डायरेक्शन उसका डिपेंड करेगा, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ एम। इसका क्या मतलब है कि अगर साइन एम का पॉजिटिव है, इफ एम इज पॉजिटिव तो डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम एज ए वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर मान लीजिए इफ एम इज निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, बी वेक्टर इज अपोजिट टू ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड में एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वेक्टर में, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर पॉजिटिव है एम तो बी और ए का डायरेक्शन सेम होगा, निगेटिव एम होगा तो बी और ए का अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये हम लोग स्केलर से मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए एम की वैल्यू जीरो है, इफ़ एम इक्वल्स टू जीरो है तो हमारा बी जो होगा एम इंटू ए, मतलब जीरो इंटू ए, तो ये जो है एक
जीरो वेक्टर हमें दे देगा, जीरो वेक्टर हमें देगा, ठीक है, क्योंकि स्केलर से हम लोग वेक्टर को, स्केलर से हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिंपली हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देगा जिसे हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इसके कई सारे हम लोग प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, सिंपल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये समझ में आ जाएगा, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन हम लोगों ने पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसे हम लोग जाना पड़ेगा बाय स्केलर। तो मान लीजिए हमारे पास है लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड एम एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, मतलब कि स्केलर होगा, नंबर है तो क्या होगा, सिर्फ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है कि एम टाइम्स माइनस ऑफ ए अगर हम करेंगे तो वो जो होगा माइनस ऑफ एम कीजिए उसके बराबर होगा, और ये दोनों एम ए को मल्टीप्लाई करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी बराबर होगा, या फिर आप माइनस एम माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस, ये माइनस था तो एक माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे सिंपल नंबर में हम लोग करते हैं, यहाँ भी सेम नियम वैलिड है, ठीक है। मान लीजिए एम है और n टाइम्स ए वेक्टर है, तो इसे हम लोग सिंपली m इंटू n टाइम्स ए लिख सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क की बात नहीं है, m n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे आप n टाइम्स m इंटू ए कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्केलर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखेंगे तो स्केलर का ओवर वेक्टर एडिशन या फिर स्केलर एडिशन सिंपली m इंटू ए प्लस n इंटू बी, जो हम लोग रियल नंबर में भी सेम करते हैं वह यहाँ भी वैलिड होगा, या फिर वेक्टर एडिशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखेंगे तो m ए प्लस m बी, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वांटिटी है इससे हम लोग कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब होगा कि अगर b इक्वल्स टू m टाइम्स a है तो इसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। वहाँ हम लोगों ने सही से नहीं देखा था, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो मान लीजिए ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है o a b, तो अगर b वेक्टर इक्वल्स टू m टाइम्स a है और ये एरो जो है इस तरफ है तो o से क्या हो रहा है, एक पे जा रहे हैं तो हमें o a वेक्टर मिल रहा है, और a से b पे जा रहे हैं तो b वेक्टर मिल रहा है, और मैग्नीट्यूड में बी जो है एम टाइम्स ए है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड एम टाइम्स ए होगा मैग्नीट्यूड, इसे हम लोग चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, एम तो स्केलर क्वांटिटी है सिर्फ वैल्यू होगा, तो एम का तो एम ही लिखा जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमें लिखना है इसलिए हम लोग ब्रैकेट या इसका मॉडुलस का यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होगा एम टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, फिर अभी तो हम सेम डायरेक्शन में बना रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, बी एंड ए का क्या होगा, सेम होगा इफ़ एम क्या है, पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो। वही एम मान लीजिए नेगेटिव होता तो ए जीरो, और यहाँ पे हम लोग बनाते ए बी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर होता तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम लोग बोलते कि डायरेक्शन ऑफ बी एन ए आर अपोजिट
इफ एम इज लेस देन जीरो, कहने का क्या मतलब है, एम अगर हमारा निगेटिव होगा तो हम लोग इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन है। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे हैं वेक्टर के, ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ और बेसिक्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।